गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल पे और GTA 5 के एक और नए गेम प्ले वीडियो पे। अरे सिंचन, ये क्या खबर छपी है न्यूज़पेपर में? लॉस सैंटोस में एक अजीब सी स्टेयरवे मिली है। फ्रैंकली भैया, ये स्टेयरवे क्या होता है? अबे भाई, ये स्टेयरवे टू हेवन जो है, ये सिंचन यार, स्टेयरवे जो होती है ना, वो सीढ़ियाँ होती हैं। अरे फ्रैंकली भैया, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अरे सिंचैन, इसमें परेशान होने की ये बात है कि ये जो सीढ़ी है ना, ये हेविन तक जाती है। फ्रैंकलिन भैया, ये तो वही सीढ़ी है ना जो हमें पैसों तक ले जाएगी बहुत सारे। हाँ सिंचैन, लगता तो यही है कि ये वही सीढ़ी है। सिंचैन, तुम्हें पता है इसमें और क्या 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 लिखा हुआ है? नहीं, फ्रैंकलिन भैया, आप मुझे बताएं जरा। इसमें ये लिखा है, जो भी इस सीढ़ी को पूरा कवर करेगा उसको $2 बिलियन पूरे पूरे मिलेंगे। अच्छा फ्रैंकलिन भैया, और क्या क्या लिखा है? और इसमें ये लिखा है कि हमें कम से कम जो है 1 मन सोना मिलेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, अगर हमें इतना सोना मिल जाएगा और पैसे मिल जाएंगे, फिर तो हम टीचर से अमीर हो जाएंगे। लेकिन सिंचन, इतना आसान नहीं है वहां से पैसे लेना, इसलिए हो सकता है कि वहां पे सिक्योरिटी बहुत टायर्ड हो। तो फ्रैंकलिन भैया, हम लोग ये करेंगे ना, हम सबको मार देंगे और सारे पैसे ले लेंगे। अच्छा रुको, देखते हैं, चलते हैं, आ जाओ, चलो गाड़ी में बैठो, तुम फिकर नहीं करो। गाइस प्लीज, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। गाइस वैसे सिंचन आजकल बड़ा नाराज चल रहा है, वो ये कह रहा है कि लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं आ रहे। सिंचन यार, लेकिन एक बात तो बता, अगर हमें पैसे मिल भी गए तो हम लोग इतने सारे पैसों का करेंगे क्या? फ्रैंकलिन भैया, अगर हमें इतने सारे पैसे मिल गए ना, तो मैं तो अपनी ड्रीम कार खरीदूंगा, फरारी। अच्छा, और बस तुम एक गाड़ी ही खरीदोगे? नहीं फ्रैंकलिन भैया, मैं अपने लिए सोने की चट्टी भी सिलवाऊंगा। अबे यार सिंचैन, तो अमीर होके ही हमेशा गरीबों वाली बातें करी। लेकिन फ्रैंकलिन भैया, आप क्या लेंगे? आपने तो बताया ही नहीं अमीर होने के बाद। सिंचैन, मैं सोच रहा हूँ कोई अपना प्राइवेट जेट ले लूँ। अच्छा फ्रैंकलिन भैया, वैसा आपने शक्ल देखी है अपनी। अबे तू चुप कर यार, हमेशा बेइज्जती करता रहता है। फ्रैंकलिन भैया, लगता है हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए, लेकिन ये क्या है यार? फ्रैंकलिन भैया, इतनी लाइन लगी हुई है यार, अब क्या करेंगे हम लोग? हमसे पहले तो काफी लोग पहुंचे हुए हैं। अबे यार सिंचैन, अगर हम लोग इसकी लाइन में लगे रहे तो हमारा नंबर तो फिर आएगा ही नहीं यार। कुछ सोचना पड़ेगा, इन सबको भगाना पड़ेगा। अच्छा फ्रैंकलिन भैया, मैं कुछ सोचता हूँ। फ्रैंकलिन भैया, मेरे दिमाग में एक बड़ा ही मस्त प्लान है। हाँ, सिंचैन बताओ जरा। यार तुम लोग सुबह ही सुबह, अगर तुम लोग को कोई और काम नहीं है, चल फ्रैंकलिन भैया, वो प्लान ये है कि एक मिनट रुक जाओ सिंचैन, जरा करीब आ जाओ। अच्छा फ्रैंकलिन भैया, प्लान ये है कि इन सबको बोले कि अगले ही बिल्डिंग में एवेंजर्स आए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये सब लोग उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए सब चले जाएंगे। हाँ यार सिंचन, प्लान तो बड़ा टायर्ड है, लेकिन ये करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। चलो सिंचन। भाइयों 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 और बहनों, यहाँ पे बराबर वाली बिल्डिंग में एवेंजर्स आए हुए हैं और आयरन मैन, सब जिस जिसको जाना है वो जल्दी जाके उनसे ऑटोग्राफ ले ले, जल्द से जल्द, वरना वो चले जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया, लगता है काम हो गया, सब लोग ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए हैं, हालांकि तो वहाँ पे कोई आया भी नहीं है। हाँ यार सिंचन, किया तो हमने गलत, लेकिन क्या करें, हमें तो सोने की जरूरत है ना। और फ्रैंकलिन भैया, ये देखें, हम लोग आ गए छत पे इस बिल्डिंग की। चलो फ्रैंकलिन भैया, चलो सिंचन, अब हम लोग ऊपर चलते हैं। नहीं, सिंचन, नहीं, फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। आ जाओ सिंचन, तुम भी चलना चालू करो। नहीं, फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे भाई आ जाओ, कोई मसले की बात नहीं है, अभी हो सकता है हमें ऊपर गाड़ियां हैं, बाइक मिले मजीद ऊपर जाने के लिए, इसलिए हम लोग फटाफट ऊपर जाएंगे, तो हमें $10 मिलियन और 1 मन सोना मिलेगा। आ जाओ सिंचैन। फ्रैंकलिन भैया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन देख कर आना, सीढ़ियाँ बहुत पतली हैं। फ्रैंकलिन भैया, आप फिकर ना करें, डरे नहीं, मैं आ जाऊँगा, आप जाना शुरू करें। चलो सही है सिंचन, जैसा तुम कहो। चलो सिंचन, तुम ध्यान से आना। ओके ओके फ्रैंकलिन भैया। गाइस तो ये, अब हम लोग को पहला चेक पॉइंट पे जाना है, हमें पहले चेक पॉइंट पे जाना है। ये अभी हमने बाइक तो ले ली। ओ भाई साहब, क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन देख के चला यार। गाइस बस हम लोग पहले चेक पॉइंट तक चले जाए, ताकि हमें फिर जो है दूसरी बाइक मिले या दूसरा व्हीकल मिले, जिसकी मदद से हम लोग ऊपर जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया, मैं आपको नीचे से देख रहा हूँ, आप तो बहुत प्रो ड्राइवर हो, आप तो बिल्कुल सीधा चला रहे हो। हाँ सिंचन, देख लो, प्रो ड्राइवर की निशानी यही होती है। फ्रैंकलिन भैया, मैंने आपकी थोड़ी सी तारीफ क्या की, आप तो सर पे चढ़ गए हैं। फ्रैंकलिन भैया, ये झाड़ जैसी चीज़ है, लगता है आप चेक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। हाँ अब मैंने तो यहाँ से दूसरी बाइक भी ले ली है, अब मैं और ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा फ्रैंकलिन भैया, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ आपके। चलो सिंचन, तुम आते रहो, हमने तकरीबन आधा रास्ता क्रॉस कर ही लिया है। अच्छा फ्रैंकलिन भैया, आप फिक्र ना करें, बस मैं आ रहा हूँ।
टेंशन नहीं यार, रास्ता तो देख तू कितना खतरनाक है यार, और बाइक तो देख कैसी टाइट चल रही है, और उतनी ही मुश्किल से मुझे हो रही है चलाने की। गाइस ये देखें, अभी ये गवर्नमेंट ने हमें कैमरे भी रखे हुए हैं, एयर व्यू वो भी दिखाएगी अभी। अरे फ्रैंकलिन भैया थोड़ी हिम्मत कर लो, बस हम लोग पहुंचने ही वाले होंगे। हाँ गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। हाँ फ्रैंकलिन भैया आपने अच्छा हुआ बोल लिया, वरना मैं इन सबको बोलने ही वाला था। ओ सिंचेन आप नीचे का व्यू देख रहे हो कैसा हो रहा है टाइड। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो फ्रैंकलिन? तो या था सिंचेन, लगता है हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लग रहा है ये लास्ट चेक पॉइंट है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। ओ भाई साहब सिंचेन तुम भी जल्दी आ जाओ, मुझे तो लग रहा है ये लास्ट चेक पॉइंट सामने ही दिख रहा है हमें। वैसे फ्रैंकलिन भैया ये बाइक इतनी काँप क्यों रही है? फ्रैंकलिन भैया आप ख्याल से जाइएगा, आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो ऊपर जाके। अरे नहीं नहीं सिंचेन तुम फिक्र नहीं करो मेरी, बस तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, तुम भी अब तो वैसे भी मंजिल आ ही गई है। ओ भाई साहब सिंचेन जल्दी आ जाओ ऊपर, हम लोग अपने माइलस्टोन पर आ गए हैं। लेकिन ये क्या, ये तो लिखा हुआ है किल द एनिमी, अब हमें क्या करना है? अब इनमें से एनिमीज कौन से, वो हमें देखने पड़ेंगे। ओ भाई साहब पहले तो मैं देखूँ, आराम से सांस लूँ थोड़ा, हमारे एनिमीज गन निकाल लूँ पहले से मैं, कहीं हम पे हमला ना कर दें। ओ भाई साहब यहाँ पे तो पहले से 3 लोग मरे हुए हैं। ओ भाई साहब मुझे लग रहा है ये एनिमीज लग रहे हैं, इसके हाथ में भी गन है लेकिन ये हालत से तो काफ़ी अजीब लग रहा है, ये यही लग रहे हैं एनिमी। ओ भाई साहब लेकिन इन पे निशाना हो नहीं पा रहा, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो है इस पर मिसाइल मारने पड़ेंगे। ओ भाई साहब गाइस ये देख रहे हैं, इनको मिसाइल से भी कुछ नहीं हो रहा। ओ भाई साहब मैं इनको मारता रहता हूँ, हो सकता है कि इनको कुछ हो जाए मिसाइल से। ओ भाई साहब वो देखें ये जल भी रहे हैं लेकिन ये वापस से खड़ा हो रहा है, पीछे वाले को तो पीछे वाला तो गया नीचे। ओ भाई फ्रैंकलिन भैया ऊपर सब सही तो है ना? हाँ, सिंचेन सब सही है, ये लगता है कि ये लोग नहीं मरेंगे, बस एक सामने बंदा जो है इसको मारना पड़ेगा स्नाइपर से। सही है फ्रैंकलिन भैया मैं भी पहुंच ही गया हूँ। ओ भाई साहब पट से हेडशॉट इसको लगेगा, और ये सिंचेन तुम कब पहुंचे? हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं तो कब का पहुंच जाऊँ, मैं आपको सरप्राइज दे रहा था। अरे यार सिंचेन तुम भी यार, तुम वहाँ का तक कैसे पहुँचे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में। नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया यहाँ पे तो पैसे ही पैसे हैं और सोना ही सोना, एक मन सोना है। ओ भाई चैन हम तो अमीर हो गए हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया आप फिक्र ना करें, मैं ये सारा सामान भी ले आऊँगा नीचे। अरे चैन तुम तो डांस करने लग गए। हाँ फ्रैंकलिन भैया आज है ही ऐसा दिन, आज हम लोग हमारे हालात बदल रहे हैं। अरे यार सिंचेन सोना तो देख कितना है यार, पैसे तो देखो। ओ भाई साहब मैं ज़रा करीब से तो देखूँ, मैं ये तो कितने किलो की इसकी एक बार है। जी फ्रैंकलिन भैया ये देख रहे हैं आप, ये तो आप हम तो हम लोग दो तीन आराम से नए घर भी खरीद सकते हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया इसमें तो 3-4 बड़े बड़े घर आ जाएंगे। ओ भाई साहब अब तो मैं इससे अपनी ड्रीम कार और अपने ड्रीम घर जितने भी हैं वो खरीदूंगा। फ्रैंकलिन भैया मेरे लिए सोने की चट्टी ज़रूर बनवाइएगा आप। हाँ हाँ सिंचन तुम बोलोगे बन जाए। ओ भाई फ्रैंकलिन भैया ये क्या आप नीचे क्यों कूद गए? बस सिंचन खुशी में कूद रहा हूँ, तुम सारा सामान नीचे ले आना। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।